मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तमाम उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान सिलावट ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए वचन पत्र में किए गए सभी वादे निभाए हैं। मंत्री सिलावट ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय वर्ष 2018-19 की बजट राशि में 33% की बढ़ोतरी करते हुए 7,504 करोड़ रुपए कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों के पदों में भी वृद्धि करने की बात कही है, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों में डॉक्टरों विशेषज्ञों समेत अन्य स्टाफ की वृद्धि प्रदेश सरकार करने जा रही है। मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी स्वास्थ्य विभाग के प्रति चिंतित हैं और जो बजट आया है 33% बजट की बढ़ोतरी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुई है। आज मैं गर्व के साथ आत्मविश्वास के साथ हमारी पूरी टीम ने एक स्वर में एक भावना में अपनी भावनाओं को सम्मिलित करते हुए मध्य प्रदेश की डॉक्टर की पूर्ति अति शीघ्र हम पूरी करने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर को जो तनख्वाह मिलती थी मात्र 25,000 उसको बढ़ाकर 90,000 और जिनकी 90,000 थी उनकी 100 डबल कर 1,80,000 हम उनकी तनख्वाह देने का प्रयास करेंगे और जो अन्य कठिनाई थी आवास शिक्षा इसकी भी पूर्ति हम उनके माध्यम से करेंगे। एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य